मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रयास, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है, जो कि जो प्रिजनर्स है उन लोग के लिए सोशल एंड लीगल असिस्टेंट 1989 से दे रहा है। मुंबई में भी है, सोलापुर है, लातूर में भी अभी काम कर रहा है, और कल्याण, थाने, सारे एरिया में काम कर रहा है। और ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1989 से काम कर रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो है, उसका जो हिंदी का मीनिंग है कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, उसके बारे में मेरा बात रखना है। तो सीधा एक्ट जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो लीगल एड क्या होता है और ये एसेंशियल एलिमेंट क्यों है, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि ये जो लीगल एड का जो कंसेप्ट है वो किस तरह, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह से आया लीगल एड जो कंसेप्ट है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो हमारा जो कानूनी तंत्र है, जो जुडिशियरी है, ये लीगल एड देने के लिए किस प्रकार का वो प्रयास किया है और किस तरह से वो लीगल एड एक जो कंसेप्ट है वो इंडिया में लाया है। और चौथी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है जो 1987, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। और अंतिम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो किसके लिए काम करता है, कौन सा लोग काम करते हैं, इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि लीगल एड क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लीगल एड क्या होता है, तो सिंपल सा सवाल है, लीगल का मतलब कानूनी सहायता। तो ये फंडामेंटल एलिमेंट है। फंडामेंटल एलिमेंट मतलब क्या होता है, ये मौलिक तत्व है जो कि एक्सेस टू जस्टिस करने में मदद करता है। एक्सेस टू जस्टिस मतलब कानूनी सहायता मिलने का जो जरूरी है उसके वो तत्व है, और वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे लोगों को मिलना चाहिए, इसको लीगल एड बोला जाता है। उसके बाद हम जब देखते हैं जस्टिस, तो इंडिया में जस्टिस का बहुत पॉलिटिसाइज किया जाता है। जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि किसी को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इग्नोरेंट करोगे। जस्टिस का मतलब ये है कि सारे जो भारत का जो लोग है उसको इक्वली ट्रीट करें, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको किस तरह से इक्वली ट्रीट करें, उसको जस्टिस बोला जाता है। उसके बाद जो एक्सेस टू जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे भूख लग रहा है और मुझे कोई खाना दे रहा है लेकिन उसमें कुछ मेरे सामने धूल मिला के दे रहा है, तो उसको हम खाना नहीं बोल सकते। तो जो एक्सेस टू जस्टिस का जो मीन्स है, ऐसा एक जस्टिस सिस्टम दिया जाएगा कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसको हल करने वाला एक सोल्यूशन देना चाहिए। और उसका बात किया जाता है एक्सेस टू लीगल एड में कि जो जिस बंदा का प्रॉब्लम है उसका इस तरह का सोल्यूशन देना चाहिए ताकि उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका हल हो। और हम ये नहीं बोल सकते कि जो एक्सेस जस्टिस तभी मिलेगा जब जो गरीब तबके का लोग है जिसको लीगल एड चाहिए और जिसका प्रॉब्लम है, अगर उसको हल नहीं मिल रहा है तो उसको हम एक्सेस ऑफ जस्टिस या जस्टिस मिल रहा है बोल के हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जस्टिस तब बोल सकते हैं जो जिसको जस्टिस मिलने के लिए कोशिश कर रहा है और उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गरीबी के नाम पे, उसको अगर हम जस्टिस दिलाते हैं और उसका काम हल होता है तभी हम बोलेंगे कि हाँ, इस देश में जस्टिस न्याय बोल के कोई चीज़ है जो कि जिसको जरूरत है उसको मदद हो रहा है। तो एक्सेस टू जस्टिस का कुछ बेसिक एलिमेंट है, इसके तहत हम ये पहला चीज़, तो हम जो राइट टू मूव द कोर्ट, हम कोर्ट को मूव कर सकते हैं। जो भी मैटर है, अगर लोअर कोर्ट में मैटर है तो उसको हम हायर कोर्ट में मूव कर सकते हैं। और दूसरा है लीगल असिस्टेंट, जो भी लॉ रिलेटिंग जो भी चीज है वो मदद मिल सकता है थ्रू एक्सेस टू जस्टिस का जो मुद्दा है। और तीसरे नंबर पे हम ये एंश्योर स्टेट, आपको जो सरकार है वो एंश्योर करेगा कि चाहे आप गरीब हो, कहाँ से आए हो, आपका जात क्या है, वो सारे चीज भूल के आपको किस तरह से इफेक्टिव मैकेनिज्म मिलेगा उसका स्टेट आपको गारंटी देगा। और स्टेट इसीलिए नहीं देखता, कुछ लोग बोलते हैं कि ये खैरात में मिलता है, ये खैरात नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और ये गवर्नमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मैंडेट है वो संविधान में प्रावधित किया गया है कि आपको, आपका ये फंडामेंटल राइट्स है और आपको ये मिलना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं मुंबई सेंट्रल जेल में काम करता हूँ, कुछ लॉयर भी मुझे ऐसा बोले हैं कि हम फ्री में क्यों काम करें इन लोगों का, तो फ्री में नहीं है ये, तो उन लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोग को कमिटी बिठाया गया है, उन लोग के लिए पैसा सरकार देता है और हमारा और जो लोग अंदर है उन लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज है। और लीगल एड का मतलब ये है, उसका बेसिक एम्बिशन की कुछ तबके का लोगों को, जो लोग वकील नहीं कर पाते पैसा के वजह से,
वही लोगों को किस तरह से वकील देना और उनका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन देना, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो लीगल एड के तहत। और फ्री लीगल एड इसीलिए जरूरी है कि जो सोसाइटी में, जो समाज में गरीब लोग हैं, जिसका अशिक्षित है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कानूनी का जानकारी नहीं होता है, उनको साइड नहीं करते हुए उसको किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए उसका गारंटी स्टेट देता है। और इसको एम्बिशन, इसको ऑब्जेक्टिव को लेके लीगल एड का वो कॉन्सेप्ट आया है। तो उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये जो लीगल एड, जो कानूनी सहायता कहाँ से आया। तो हम पहले अगर देखते हैं वर्ल्ड में, अगर विश्व, पूरे विश्व को में देखते हैं, तो पहले एक मैग्ना कार्टा बोल के इंग्लैंड में जॉन बोल के एक राजा थे, किंग थे। उसके दौरान उनका एक किताब थे मैग्ना कार्टा बोल के, उसमें वो लिखते हैं कि टू नो वन विल वी सेल, टू नो वन वी डिनाई और डिले राइट और जस्टिस। हम किसी को भी उसका जस्टिस के लिए डिले नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात। और किंग जॉन 1215 जो इन द ईयर ऑफ 1215 में ऐसा बात बोले थे। उसके बाद हम देखते हैं तो जो आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में भी बात किया जाता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है या गरीबी में है तो उसको उसका जो राइट्स है, राइट्स टू लीगल एड, उसको मिलना चाहिए। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके बारे में बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में। उसके नीचे अगर हम देखते हैं आर्टिकल 14(3) में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में वो गारंटी देता है सारे लोगों को कि लीगल एड असाइन हिम विदाउट पेमेंट। जो गरीब है उसको बिना एक पैसा लेके किस तरह से पैसा मिलेगा वही सरकार देगा, और उसका काम किस तरह से इफेक्टिव मैकेनिज्म के तहत किया जाएगा वो प्रावधान किया गया है। ये पूरे विश्व में पहले ऐसा शुरुआत हुआ लीगल एड का। उसके बाद जब इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में जब भारत आजाद हुआ 1947 में, और जो संविधान है वो 1915 जनवरी 26 के एनेक्टमेंट हुआ। उसके बाद हम पहले देखते हैं तो 1958 में 14 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन वो बोलता है कि जो 14 रिपोर्ट लॉ कमीशन में एमिनेंट जो जूरिस्ट होते हैं एमसी सेवलवाड वो बात रखते हैं कि जो लीगल एड होना चाहिए और वो एक एजेंसी माध्यम से होना चाहिए, और वो एजेंसी का काम ये होना चाहिए कि जो भी गरीब तबके का लोग आते हैं उनको अच्छे तरह से काउंसलिंग करके उन लोग को लीगल एड किस तरह से मिले उसका वो बात करते हैं। और इसके लिए जो भी खर्च होगा, जो भी पैसा लगेगा वो स्टेट ग्रांट करेगा और जो सरकार देगा, ऐसा बात किया जाता है पहले 14 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1958 में। उसके दो साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक रेजोल्यूशन लाता है 1960 में, वो बात रखता है कि लीगल एड के लिए हम लोग नेशनल लेवल पर स्कीम बनाना चाहिए और उसका हम एक कमिटी के माध्यम से जो लोग गरीब है उन लोगों को हम पहुंचना चाहिए, ऐसा बात रखता है। लेकिन ये फेल हो जाता है। फेल इसीलिए हो जाता है कि वो जो स्टेट ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन पास करता है लेकिन उसके लिए सफिशेंट कमिटीज और लैक ऑफ फिनेंशियल सपोर्ट के लिए वो जो 1960 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन है फेल हो जाता है। उसके बाद 1960 के बाद 9 साल के बाद और एक कमिटी बिठाया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। उसका कमिटी का नाम है 41 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन 1969 में आता है वो कमिटी, और वो ये बताता है कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस लेगा जो गरीब तबके का जो लोग है, जो लोग लीगल एड नहीं मिल पा रहा है गरीबी लोग को, उन लोग को मिलेगा बोल के एक 1969 में एक कमिटी आता है। उसके बाद 3 साल के बाद 1973 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाता है, उस कमिटी का नाम देता है एक्सपर्ट कमिटी। एक्सपर्ट कमिटी उसका चेयरमैनशिप होता है डॉक्टर कृष्णा आयर बोल के एक जस्टिस है, उसका वो कमिटी का चेयरपर्सन रहते हैं। वो बात करते हैं कि लीगल एड स्कीम होना चाहिए और लीगल एड कमिटी भी होना चाहिए, स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर तालुका लेवल तक सारे कमिटी होना चाहिए बोल के 1917 में बात होता है, और उसका चेयरपर्सन रहते हैं जस्टिस कृष्णा आयर। उसके बाद हम देखते हैं वो कमिटी 3 साल के बाद 1976 में 2 मेंबर का और कमिटी बनता है इसके ऊपर बात करने के लिए, लीगल एड कमिटी के लिए। तो उस 2 मेंबर कमिटी बोला जाता है और उसको
कमेटी का नाम बोला जाता है कि जुडिकेचर कमेटी बोला जाता है, उसमें जस्टिस पीएन भागवती और वो चेयरमैन रहते हैं और कमेटी का मेंबर रहते हैं कृष्णा अय्यर, वो लोग बात करते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट जो लीगल एड है किस तरह से इंडिया में हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो जरूर हो रहा है, जो गरीब है, जो गरीब तरीके का लोग है, जो वीकर सक्षम जो सोसाइटी है उन लोग तक पहुंचे, वो बोल के वो दो लोग एक कमेटी के माध्यम से वो लोग बात रखते हैं। उसके बाद एक साल के बाद वो लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1976 में कमेटी बनता है, 1977 में वो लोग गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हम लोग एक रिपोर्ट बनाए हैं, इसके तहत अगर हम लोग काम करेंगे तो जिसको जरूरी बंदा है, जो गरीब है, जो गांव से आता है, उसको जो लीगल मदद मिल सकता है बोल के वो लोग कमेटी लोग ने एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उसमें उसके तहत एक बात किया जाता है कि लीगल एड कैंप गांव-गांव लगाना चाहिए, लीगल एड कैंप, और न्यायालय होना चाहिए गांव एरिया में, एक न्यायालय होना चाहिए जहां के मसला हल करें। उसके बाद एक कंसेप्ट बनाए वो लोग, लीगल एड कंसेप्ट, किस तरह से लीगल एड होना चाहिए, वो जो कमेटी ने जो बनाए थे रिपोर्ट उसमें बनाए कि एक लीगल एड का कंसेप्ट किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो लोग बनाए। और उसके एक साल के बाद 1980 में वो लोग नेशनल लेवल का कमेटी बनाए, नेशनल लेवल का कमेटी बनाए का सोचे, उस कमेटी का चेयरमैनशिप रहे जस्टिस भागवती, और ये वो कोशिश किए कि वो सुपरवाइज किए, वो देखे अच्छा कमेटी तो बन गया, अभी किस तरह से उसको सुपरविजन करे कि कमेटी कैसा होना चाहिए, किस तरह वे में काम करना चाहिए, कौन सा कमेटी में कौन सा लोग रहना चाहिए, इसका ऊपर 1980 में बात हुआ। उसके तहत नेशनल लेवल से स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से लीगल एड और एडवाइस बोर्ड सेटअप किया गया स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रावधान किया गया है संविधान में, कि संविधान में किसके बेसिस में प्रावधान किया गया कि एक इंसान को जो जरूरतमंद है उसको लीगल एड मिले। अगर हम देखते हैं तो संविधान का पहला जो प्रावधान है उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं, उसमें लिखा गया है कि जस्टिस में कौन सा चीज आता है, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल, ये चीजें मिले। और अगर हम प्रीएम्बल को भी छोड़ते हैं तो आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 में लिखा गया है वो गारंटी देता है स्टेट सारे इंडिविजुअल को गारंटी देता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद देखते हैं 22A में कि जो इंसान अरेस्टेड हुआ है उसका अगर मुझे कोई पुलिस मुझे अरेस्ट करता है, और बहुत सारे केसेस ऐसा होता है, मैं जब जेल में काम करता हूँ तो बहुत सारे लोग को पकड़ा जाता है और सीधा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 22 हिसाब के अनुसार कोई पुलिस अगर मुझे पकड़ रहा है तो मुझे पहले पूछना चाहिए कि आपका लॉयर है क्या। अगर मैं बोलूँगा मेरा लॉयर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो पुलिस जो आसपास का जो लीगल एड कमिटी है उसको कंसर्न करना चाहिए, तभी जाके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए, यह बात आर्टिकल 22 में बोलता है। लेकिन मैं जितने लोगों को भी मिला हूँ जो को पहले बार फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, सारे लोग को पुलिस पकड़ कर सीधा कोर्ट में लेके जाता है, कभी पूछता भी नहीं है कि तेरा लॉयर है या तेरा घर में कौन है, तेरा डॉक्यूमेंट है कि नहीं, इस तरह से। उसके बाद आर्टिकल 39A में जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें लिखा गया है कि लीगल एड जो जरूरी लोग हैं गरीब लोग को उनको स्कीम है बहुत सारे स्कीम भी करके उनको दे सकते हो, या चाहे तो प्रोविजन को बदल के भी उन लोग को लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हो। ये बात आर्टिकल 39A में लिखा गया है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और ये 42 अमेंडमेंट किया गया 1976 से, तब से ये लागू हुआ है। उसके बाद बात करेंगे हम कि ये सारे जो लॉ लाने के लिए जो इंडियन जुडिशियरी है जो कि कानून बनाता है जो इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर हम बात रखेंगे। तो पहले केस में शेयर करना चाहूँगा, MH होस्कट बसल महाराष्ट्र में हुआ था एक केस 1978 में, उसमें बोला गया कि फ्री लीगल एड देना पड़ेगा गरीब लोगों को जो नीडी पर्सन है, और उसके लिए अच्छे से प्रोसीजर भी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 1979 में तो हुसैन खातून बसत बिहार में, कि कोई बंदा अगर पैसा नहीं है
तो उसको स्टेट का ओब्लिगेशन होना चाहिए और स्टेट जिम्मेवारी लेना चाहिए और उसको फ्री में वकील देना चाहिए। और दूसरे केस है सुखदास बसेस यूनियन इन टेरिटरी जो अरुणाचल प्रदेश के साथ हुआ था 1986 में, उसमें भी बोला गया है कि फ्री लीगल एड मिलना चाहिए चाहे वो बंदा को पता ना हो और नहीं बोले तो भी मिलना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत सारे लोग पता हूँ, अगर मैं जेल जा रहा हूँ और मेरा कंडीशन खराब है और मुझे लॉयर नहीं है तो ये स्टेट का जिम्मेदारी रहना चाहिए और स्टेट का लोग मुझे आके काउंसलिंग करना चाहिए, पूछना चाहिए कि मेरे पास लॉयर है या नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार हम डिमांड कर सकते हैं, कोई भी बंदा अंदर है अगर उसको जानकारी नहीं है या है भी अगर उसका लॉयर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो स्टेट का जिम्मेदारी है कि उसको लॉयर प्रोवाइड करे। और बहुत सारे, क्योंकि इंडिया में है 70% लोग गांव में रहते हैं, अगर मुंबई जेल का बात करूं मैं तो 70% लोग यूपी बिहार गांवों से काम करने के लिए मुंबई आते हैं और उनको ना लीगल का पता है। और मेरे जैसा जो लोग भी पढ़ा लिखा करते हैं उन लोग को भी लीगल का मालूम नहीं होता है। अगर वो बंदा जेल में चला भी जाता है नहीं भी पता है तो ये स्टेट का जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी है कि उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेशन हो और जिसका जो केस है उसको हल करने के लिए एक वकील हो, उसका स्टेट जिम्मेदारी लेना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा जो एक्ट बना है 1987 का, वो एक्ट बनता है 1987 में लेकिन लागू होता है 8 साल के बाद 1995 में लागू होता है। मतलब एक्ट बनता है 1987 में और लागू होता है 1995 नवंबर 9 तारीख से लागू होता है। और उसमें बोला जाता है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस दिया जाएगा, किन लोगों को दिया जाएगा, जो गरीब है उन लोगों को एक लीगल मिल जाएगा, ऐसा बोलता है। और उसका सेक्शन 2 में बात किया गया है कि लीगल एड कैन बी प्रोवाइड टू द पर्सन फॉर ए केस फॉर एनी प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, चाहे किसी भी केस हो आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसका गारंटी स्टेट लेगा। और आर्टिकल सेक्शन 2 में बोला गया है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर मेरा सिविल है, मेरा क्रिमिनल है, मुझे सरकारी वकील मिलेगा कि नहीं। तो इसमें प्रावधान किया गया है एक्ट के अंदर कि आप किसी भी कोर्ट किसी भी केस के लिए अगर आप गरीब है तो आपको एक सरकार के तरफ से लॉयर मिलेगा और सरकार आपको खैरात में नहीं दे रहा है, ये संविधान का प्रावधान है कि आपको मिलेगा और ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और मैं सेक्शन अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 12 में लिखा है कौन से लोग सरकारी वकील के लिए योग्य है, एलिजिबल क्राइटेरिया किसको किसको मिलेगा तो पहला है जो बंदा लॉयर डिमांड कर रहा है वो पहला नंबर कंडीशन है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप होना चाहिए। दूसरे नंबर जो है विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार्स लोग होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो मेंटली और फिजिकल डिसेबिलिटी है उन लोग को मिलेगा लीगल एड। और तीसरी में जो मैन मेड डिजास्टर होता है, जो नेचुरल डिजास्टर होता है और जो इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, जो कमाने के लिए आते हैं इंडस्ट्रियल में काम करते हैं उन लोग को लीगल एड मिलेगा। और जिसका एनुअल इनकम 50,000 से कम है और उन लोग को मिलेगा। और ये स्टेट का ऊपर जिम्मेदार करता है कि 50,000 से ज़्यादा को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए एप्लीकेशन रखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन है, चिल्ड्रेन है, उन लोग को इनकम क्राइटेरिया नहीं लागू होता, उन लोग को मिलेगा ही मिलेगा, ये प्रावधान करता है। तो अगर हम देखते हैं तो जो लॉ बना लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो उसमें नेशनल लेवल से लेकर तालुक लेवल तक एक कमिटी बना गया है। हम देखते हैं नेशनल लेवल पर नालसा बोल के कमिटी है, उसमें इंडिया का जो सबसे बड़ा एपेक्स बॉडी में जो रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हेड करते हैं उसको। उसके तहत वो क्या बोलते हैं कि सारे ग्राम पंचायत में एक लीगल कंसल्टेंसी रहना चाहिए और कौन लोग रहना चाहिए, जो कि सीनियर लॉयर लोग पंचायत लेवल में उन लोग को इंफॉर्मेशन लीगल असिस्टेंट देंगे। लेकिन इंडिया में कुछ अलग ही है, लॉ में लिखा है कुछ अलग लेकिन होता है कुछ अलग। और उसके तहत लीगल क्लिनिक होना चाहिए। लीगल क्लिनिक कहाँ पर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हम लोग लॉ कॉलेज में देखते हैं, लॉ कॉलेज जो लॉ पढ़ते हैं वो लोग इंटर्नशिप करने के लिए जेलों में काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में काम करते हैं ताकि जो जरूरतमंद है उसको मदद करें। उसके तहत पैरालीगल वॉलंटियर, जो लोग सोशल वर्क का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, जो जेल में, जैसे कि मैं भी क्रिमिनल सोशल वर्कर हूँ, जो ये पैरालीगल का जो वॉलंटियर का जो शुरुआत हुआ कि जेल में एक सोशल वर्कर रहना चाहिए ताकि जो बंदा गरीब है उसको बात करके उसको क्या प्रॉब्लम चाहिए वो कमिटी को लेकर बताएगा कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम है। उसके तहत नालसा के तहत पैरालीगल वॉलंटियर है, जो लोग सोशल वर्क पढ़ते हैं
वो लोग एज ए सोशल वर्कर जेलों में, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में तैनात किया गया उन लोगों को। उसके बाद 9 साल के अंदर लोक अदालत होता है। लोक अदालत में दोनों उनका पावर रहता है कि जो भी केसेस है उसको अच्छे से एड्रेस करके उसको हल, मतलब डिस्पोज किया जाए मैटर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर है छोटे छोटे क्राइम में जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें भी वो लोग अंदर है, तो उसको लोक अदालत के तहत डिस्पोज किया जाता है। उसके तहत उसके हिसाब से कम टाइम है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट दिया गया है मुझे, कम टाइम है। ऐसे नालसा जो नेशनल लेवल पे काम करता है उसके तहत, महाराष्ट्र में मालसा बोल के है जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके तहत भी कमिटियाँ है। उन लोग का कमिटी का काम ये होना चाहिए कि लीगल है ऑर्गेनाइज करना, स्कीम के माध्यम से आम जनता के पास जाना, ये जो कानूनी का जो भाषा है उसको समझाना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये सारे चीज़ें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तालुका लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे कमेटी हुए जो कि काम करना चाहिए। और उसके बाद फाइनली एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि मेरा तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, क्या मुझे वकील मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और ये किसी का खैरात नहीं है, ये संविधान का प्रावधान किया गया, आपका हक है, आपका फंडामेंटल राइट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, अगर आप, आपका जो कंडीशन मैंने बोला शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, एसटी होने चाहिए, आप जेल में रह, जिसका अंडर ट्रायल है, जो कस्टडी में है उसको भी मिलता है, तो ये इसके लिए बस एप्लीकेशन करना पड़ता है। अगर किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट में चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसका जो सेक्रेटरी में एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ता है। उसके बाद जस्ट बेसिक आपको समर में क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, टाइम कम है, मुझे भी आलरा मिल गया, ऑलरेडी दो तीन मिनट था, मैं 5 मिनट बोल दिया। तो लीगल एड का मकसद ये है कि अगर हम भारत को देखते हैं तो 1950 पहले जात धर्म के नाम पे बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है। हमारा जो देश है, आज जो हम हिंदुस्तान बोल रहे हैं, लेकिन भारत कभी हिंदुस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंडिया दैट इज भारत, अगर हम संविधान पढ़ते हैं, जैसे सर बोल रहे थे IPC और CRPC डाउनलोड करना चाहिए, अगर आप भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड करते हैं ऐप में तो वहाँ पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो हम ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिया में हम हिंदुस्तान बोल देते हैं तो ये संविधानिक वार्ड नहीं है। अगर हम लॉ का भी बात करते हैं तो इंडिया भारत है, हिंदुस्तान नहीं है, ये इसका बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में उसके अंदर नहीं जाऊँगा। लेकिन ये एक्ट का मतलब क्यों चाहिए, मतलब जो भी अभी जो आपको समझने के लिए बोल दे रहा हूँ, जो रिजर्वेशन टॉपिक है, चाहे कुछ भी हो, अभी आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का मतलब वो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो EWS लेके आए, उपकाश जो जिनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था उनको भी रिजर्वेशन मिला इस देश में, और जो गरीब तबके थे, SC ST लोग थे जो अभी भी अंदर हैं, जो सर बोल रहे थे कि जो 18% जेल है मुस्लिम, और बाकी परसेंट कौन है, इस देश का दलित और आदिवासी है, और इस देश का पिछड़े है, जो गरीब है, जो एक टाइम खाना नहीं मिलता, वो लोग भी जेल में सड़ रहे हैं, और जो लॉ है उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऊपर में बैठे हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम SC ST लोग बाहर आए और अपने हक का मांग करें। तो ये कहीं ना कहीं, जब तक हम, जैसे एक कहावत है हिंदी में कि जुर्म करने वाला से सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, तो ये हमारा सबका जिम्मेदारी होना चाहिए, जो हम पढ़े लिख के जो सोसाइटी में आते हैं उनका एक जिम्मेदारी रहना चाहिए कि मैं जाके मेरा भाई बहन गांव में किस तरह से अवेयरनेस करूं ताकि वो अपने अधिकार बारे में उसको मालूमात हो। और ये सबका जिम्मेदार है, ये लीगल एड बोल के नहीं, सारे जितने भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है देश को, सारे अधिकार के लिए जो जिसको थोड़ा बहुत पता है उसको आगे आके अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ने से नहीं मिलेगा। ये जो लड़ाई है, ये लीगल एड का मामला ठीक है, लेकिन जो मैं काम करता हूँ किस तरह से अपने लोग मर रहे हैं अंदर, आप कंडीशन देखेंगे मुंबई सेंट्रल जेल का, 800 लोग रहने वाले हैं, उसमें लगभग 4000 लोग रह रहे हैं, 4000, सोने के लिए जगह नहीं है, ऐसे सोते हैं, ये इसका शेर है, और ये ऐसे सोते हैं ऐसे, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कौन सा लोग है ये, अपना मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, और जिसको खाना भी नहीं मिल रहा दे में, और सर बोल रहे थे जो फैमिली का इशू है, अगर मैं घर का कमाने वाला हूँ और मेरा परिवार है 5 लोग है और मुझे जेल में दिया जाता है तो मेरा लाइफ तो अंदर जा रहा है लेकिन बाहर जो लोग हैं उसका भी लाइफ का सवाल है। तो ये हमको बहुत
मतलब सीरियसली हमको काम करना है। अगर रैली हमको निकालना चाहिए तो हमको बोलना पड़ेगा, जब तक आप लोग नहीं बढ़ोगे तब तक मर रहे हैं, सदियों से मर रहे हैं और सदियों से गरीब लोगों को नीचे कुचला गया है। जब तक आप नहीं आओगे उभर करके, ये अधिकार नहीं मिलने वाला। और मांगने से आजकल रेलवे स्टेशन में भीख नहीं मिलता, मांगने से आजकल भीख नहीं मिलता है, ये तो आज़ादी का मामला है। अब चाहे कितने कमेटी का पेपर बना, मैं दिल्ली में काम कर रहा था, एक स्टोरी शेयर करूंगा। दिल्ली में एक लिंचिंग का ऊपर बड़े पैमाने पे काम किया जाता है, कुल फाउंडेशन बोल के, वहाँ पे जो आप ले लो मध्य प्रदेश का जो पुलिस ने एनकाउंटर किया था, मुस्लिम लोगों को बाहर लेके मार दिया गया था, लेकिन वो लोग बोले कि ना वो लोग फरार हो गए, उसके बाद बोले हमको नहीं पता, ये हमारा पुलिस सिस्टम है। सर पुलिस में बात करेंगे, इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि जो लोग गरीब है उसके लिए कोई नहीं है। अगर हम देखते हैं संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हैं, लेकिन इस आश्वासन में लिखे थे, वो एक बात बोले थे, एक बात बोलते हैं बाबा साहब कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल करने लोग बुरा होंगे तो संविधान भी घटिया बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को ये बात करूंगा कि जिन लोग को भी पता है अलबीर जैसा फाउंडेशन है, जिनको भी जरूरत है, ऐसा मत समझे कि उसको चोरी किया ये किया, ऐसा बनाया गया है और फंसाया गया है। मैं तो बोलूंगा, मैं एक डेढ़ साल से मैं काम कर रहा हूं मुंबई जेल में, बहुत सारे अपने लोगों को, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो और अदर रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनको ज़्यादातर का फंसाया गया है। तो उसके लिए अगर हम उन लोग का आवाज़ बनने के लिए, हमको बहुत ग्रासरूट काम करना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि आप लोग मेरे बात सुन के काम करेंगे। और मैं अलबिल को वंस अगेन थैंक यू करना चाहता हूँ मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच।